स्टेट होता है, ठीक है, जहां पे आपकी आईज क्लोज होती हैं, आप लेटे हुए होते हो, लेकिन हिप्नोसिस करते टाइम या आप खुद जब हिप्नोसिस में जाए तो आपका सर आपके पैरों से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ओके, आपका सर आपके पैरों से थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सर पीछे की तरफ है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक वो 5 मिनट में अपनी जगह पे पहुंच रही है, आप लोग अपना बेड तैयार कर लीजिए। उस आपके सर के नीचे एक पिलो होना जरूरी है। ओके, और आप अपने ईयरफोन्स कान में डाल लीजिए, और अपना एक अल्टरनेट नंबर, जब भी हिप्नोसिस होगा, जिसका भी होगा, उसका एक अल्टरनेट नंबर इसमें चैट बॉक्स में होना चाहिए। इन केस बहुत सारे लोग बहुत डीपली चले जाते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है बाहर आने में। हमारे पास अगर आपका किसी भी फैमिली मेंबर का नंबर है, तो एटलीस्ट हम उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा हिला दें, सो देट आप बाहर आ जाए, ठीक है? क्योंकि आप एक्चुअली बाहर आ चुके होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आंखें नहीं खोलते कि भाई चलो ठीक है, बहुत रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये होता ही रिलैक्सिंग एक एक्सरसाइज है, आप बहुत रिलैक्स होते हो उससे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एवरीबडी, आप लोग अपना एक ऑल्टरनेट नंबर इसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में। मैम आप मेरे नंबर पे सेम पे कॉल कर सकते हो, वो मेरे बेटे का कॉल जाएगी, मेरी चली जाएगी, मेरी मैम रितु रितु ओके बगरी ओके ठीक है। मैम, मैं धुनू, मेरे साथ कोई नहीं रहते ओके, आपके साथ कोई नहीं रहता। ओके, पर मैम, फिर भी एक ऑल्टरनेट नंबर ना आप रखिए, कि आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई जानने वाला, चले तो दो हम कॉल करके बोल सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फॉर ट्रॉली का दे सेफ्टी, दो धुनू। हालांकि हाँ आप थोड़ी देर में जग ही मैम, जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर वीडियो बंद करना होगा उस टाइम पे। ठीक नहीं, वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऐसा रखिए कि मैं आपका फेस देख पाऊँ, ठीक है? है, ओके, ऑन रखिए उसको अपने साइड में। वो भी आएगा ना, मैं आवाज मेरी भाभी को भी गई थी, कुछ भी नहीं बोले, हंसे नहीं, कुछ जैसे एक्शन नहीं, कुछ बोला नहीं। हेलो जी, मैम, अभी मैं ऑफिस में हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मुझे नंबर देना है या फिर मैं जब ज्वाइन नहीं, करूँ अगर आप नहीं उसको। कर रही हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो आप आपको बैठना ही पड़ेगा, बस आप देखें कि कैसे होता है ना? हाँ ओके, हाँ ठीक, शुभ आदित्य मैम, वीडियो ऑफ करना पड़ेगा या फिर नहीं, वीडियो ऑन। ऑन रखिए। मुझे पता होना चाहिए कि आप लेटे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, तो जैसे ये इन्होंने श्रद्धा जी ने रखा हुआ है ना, वैसा ही रखिए आप। मैं रूम तक गया नहीं मैम, अभी मैं भी स्टोर में ही हूँ। क्या मैं स्टोर में एक लेटने का जैसा चेयर लाके बैठ सकती हूँ, हाँ, बिल्कुल, आराम चेयर जो होती है उस पर आप कर सकते हैं, पैर ऊपर जैसे कि रख के कर थोड़ा। सकते हैं किसी भी चेयर पे, ठीक हाँ है? तो फोन हाँ, आएगा अगर नहीं उठी तो मैडम करेंगे आप। तो मैं वो चेयर पे ही कर लेती हूँ, जैसे कि मेरा यहाँ पे है सांस, मतलब कर सकती हूँ, ठीक है। तो रूम में नहीं जाऊंगी। सो अभी जो लोगों ने स्टार्ट किया है, हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन है, थोड़ा सा आप हर चीज को मैनेज करके रखिए, कि अगर आपको हिप्नोसिस करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? मैम कितनी देर लगेगी मैम, मतलब अगर नहीं उठे तो कितने टाइम का होगा मैम ये। नहीं, आप सब उठ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं इसलिए रखती हूँ कि प्रिकॉशन के लिए वो रहना चाहिए, है ना? बाकी ऐसा कुछ एक्चुअली होता नहीं है। मैम जैसे प्रॉब्लम जैसे ये आपकी थी, आईज ओपन, मैम प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा है, तो मैं इसलिए मुझे फिर इसके, मैं अपने हस्बैंड को नंबर सेंड कर, वो बता देंगे मुझे, ये बात हाँ थी। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नंबर सेंड कर दिया मैम उसमें चलेगा उनका। चलेगा। ओके, ऑल सेट, रेडी? हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम मैम है किसी को? ओके प्लीज वेट, प्रीति जी, ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी। ओके, जब तक आप डॉक्टर लोग सब तैयार हो रहे, थोड़े इंस्ट्रक्शन सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले
आपको अपने हाथ को कमर के पास रखना है, एकदम आपके जो आपकी वेस्ट है आपके उसके पास रखना है, और उसको जब मैं बोलूं अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाइए तो ऐसे नहीं उठाना है, आपको पूरा सीधा हाथ ऊपर उठाना है। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो मैम एक धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे हो सके उतना। आपको करना क्या है, जब मैं आपको बोलूंगी तब आपको हाथ की जो मिडिल वाली फिंगर है वहां पे स्टेयर करते हुए हाथ को ऊपर लेके आना है, बहुत धीरे धीरे। मैं आपको वो सब बताती जाऊंगी जब आप ये करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? करेक्ट, जब जैसा जैसा मैं बोलू बस वैसा आपको फॉलो करना है। मैम दोनों हाथ पे कैसे कंसंट्रेट करेंगे मिडिल वाले एक फिंगर एक ही हाथ पर, एक ही हाथ पर, दोनों पे नहीं, एक ही हाथ पर। ओके, ओके दोनों हाथों पे नहीं करना है। जिस जनरली लोग राइट हैंड देखते हैं तो उसको आप राइट हैंड को देखेंगे। आप जो लोग अगर अभी नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, ओके, आप सेम वीडियो चला करके नेक्स्ट डे या रात को उस, जब आपके पास ये वीडियो आ जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन किसी को बोल के रखिएगा कि ये मेरी आंखें अगर खुलती नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा चेक कर देंगे, ओके, तो कर सकते हैं। अभी आपको ऐसे हो जाएगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आज पहला दिन है तो मुझे भी आपको समझाना है, आपको भी समझना है, पर बाद में आपको लगा अरे कुछ नहीं समझ आएगा। मैम क्या लेटे लेटे करना है या बैठ बैठ के भी कर सकते हैं? बैठना है तो मतलब बिल्कुल सर ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे आराम कुर्सी पर जैसे अपन बैठते हैं ना वैसे बैठना होता है, ओके। और पैर आपके ऊपर रखे होने चाहिए, लेकिन हमेशा इवन आप बेड पे भी लेटे हैं तो आपका सर आपके पैरों से ऊपर होना चाहिए, सर नीचे की साइड नहीं होना चाहिए, लटका हुआ, ओके। ये हमेशा याद रखिए हिप्नोसिस में, ओके। एवरीबॉडी रेडी? जिससे थोड़े से ऊपर होने चाहिए, सॉरी डिस्टर्बेंस आ रही थी तो मैम सुनाई नहीं दिया था, मैम एक बार दोबारा बताएंगे क्या बोला था आपने? आपके जो पैर है ना उससे आपका सर ऊपर होना चाहिए, जैसे हमारे पैर ऐसे होते हैं, उंगलियां होती है ना पैरों के, ऐसे रखते हैं हम रात को सोने के टाइम, तो उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए आपका सर, सो देट आप अपने पैर देख पाए वहां। ओके ठीक है, गॉट इट? ओके, सो रेडी एवरीबॉडी? यस मैम। मेरा नहीं हुआ। अब आपको ये प्रिपरेशन रोज रखनी है, ओके ओके एवरीबॉडी। ओके, सर के नीचे तकिया लगा के रखिए। चेतना जी अगर आप मेडिटेशन ये हिप्नोसिस कर रही हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करिए, देवकी जी आप भी अपना ऑन करिए अगर आप ये कर रही हैं तो हिप्नोसिस। मैम मुझे एक मिनट आ रहा है मैम, इसलिए वीडियो ऑफ रखा है, आवाज नहीं आ रही है फिर मुझे मैम। ओहो ठीक है, कोई बात नहीं मैम, मुझे 2 मिनट दे सकती है, मैं रूम में जाती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, जाइए, सब लोग अपना वीडियो बराबर से सेट कर लीजिए, ओके, मेक श्योर कि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट में आपको टाइम लगेगा, लेकिन लेटर आपको इजी हो जाएगा, फिर आपको पता है कि ये कैसे स्टार्ट करना है हमको, ठीक है? ये ठीक है पोजीशन? मैम मैं अभी बाहर हूँ तो मैं उस बात भी देख के कर लूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो आर वी रेडी एवरीबॉडी? वेट मैम, मुझे 2 मिनट दीजिए। नहीं, 1 मिनट रुक गया है। आपने 2 मिनट बोला था, 1 मिनट तो मैम सबको अनम्यूट कर दीजिए, आप शुरू करेंगे तब।
हाँ सबको अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। सोनाली जी आप अभी आई है क्या? आपने अभी एंटर किया है? हाँ यस मैम, लेट हुआ मुझे। नो प्रॉब्लम, अब आप एक काम कीजिए, एक तो अपना वीडियो ऑन कीजिए और अपने बेड पे लेट जाइए। मैम एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ। ओह कोई बात नहीं, तो फिर आप देखिए कि हिप्नोसिस कैसे होता है, ठीक है? ओके ओके, और आप म्यूट कर लीजिए, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और मैं, चलिए मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। ओके सो आप सब लोग अपना एक हाथ उसकी तरफ देखेंगे और उसको सिर्फ 1 इंच अपनी कमर से ऊपर उठाएंगे और उसकी जो मिडिल फिंगर है उसको देखेंगे, उसको स्टेयर करेंगे। और नहीं, हाथ सीधा रखिए रितु जी, बिल्कुल सीधा रखिए अपना हाथ, सीधा सीधा, मैंने बोला था एल्बो से नहीं बेंड करना है हाथ को, सीधा रख के ऐसे ही देखेंगे आप, एल्बो से बेंड नहीं करना है आपका हाथ, एल्बो से नहीं मोड़ना है, सीधा रखिए बस। हाँ अपने वेस्ट से नीचे रखिए, अपने जो कमर है आपके उससे थोड़ा बस 1 इंच ऊपर रखिए बस। ओके और हाथ एकदम सीधा, एकदम सीधा, मोड़ना नहीं है, कर्व नहीं करना है हाथ को, ठीक है? तो आपका ध्यान आपके केवल मिडिल फिंगर पे होगा और धीरे 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 आप अपनी मिडिल फिंगर को देखते हुए बहुत स्लोली आप अपनी मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, अपने पूरे हाथ को लेकिन स्ट्रेट बिना मोड़े हुए, स्लोली ग्रेजुअली आप उसको देखते हुए ऊपर की तरफ अपने हाथ को लेके आएंगे बहुत धीमे धीमे। धीरे धीरे आप अपने हाथ को फॉलो करेंगे, ओनली योर आईज विल फॉलो योर फिंगर। ओके स्लोली आप अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे, वेरी स्लोली। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी मिडिल फिंगर पे होगा, आप उसको कॉन्स्टेंटली स्टेयर करते रहेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे स्ट्रेट एकदम। धीरे धीरे आप अपने हाथ को आपके सर के ऊपर लेके आएंगे वेरी स्लोली, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम आराम से आपको ये एक्सरसाइज करना है। स्लोली ग्रेजुअली सो वेरी स्लोली आप अपने हाथ को धीरे 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 अपने सर के ऊपर लेकर के आएंगे, लेकिन आपकी आंखें आपके मिडिल फिंगर से नहीं हटेंगी, आप मिडिल फिंगर को देखते हुए ही अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे और जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां तक आप देखेंगे और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी मिडिल फिंगर पर ही रहेगा। वेरी नाइस एवरीबॉडी, यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। प्रीति जी अपना हाथ स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट रखिए हाथ, मोड़िए नहीं, अपने एल्बो से मोड़िए नहीं, सीधा रखिए और अपने हाथ को आपके सर के ऊपर लेकर के जाइए सीधा, और आपका ध्यान वही होना चाहिए, बस बस उतना ही लाना है। श्रद्धा जी आपका ध्यान आपकी मिडिल फिंगर से हटना नहीं चाहिए, आप अपना सर, आंखें आपके सिर फॉलो करेंगी, आपका सर फॉलो नहीं करेगा। ओके अगर आपका हाथ आपके सर के ऊपर आ चुका है तो आप उधर देखते रहिए, अपने मिडिल फिंगर को देखते रहिए, वेरी नाइस। ओके और अब आप धीरे धीरे अपनी मिडिल फिंगर को देखते हुए, बहुत धीरे धीरे, जैसे कि आप उसको ऊपर ले गए थे अपनी मिडिल फिंगर को देखते हुए हाथ को, वैसे ही धीरे धीरे आप उसको नीचे लेकर के आए, ओनली अलाउ योर आईज टू फॉलो योर मिडिल फिंगर, स्लोली ग्रेजुअली ब्रिंग योर हैंड डाउन वेरी स्लोली। और आपका ध्यान आपकी मिडिल फिंगर से नहीं हटेगा,
आपकी आंखें आपकी मिडिल फिंगर को ही फॉलो करेंगी। वेरी नाइस वेरी नाइस, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे ही आपका हाथ धीरे 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 नीचे आएगा, जब आपका हाथ नीचे आएगा तो मैं आपको आपकी आंखें बंद करने के लिए कहूंगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मिडिल फिंगर की टिप को देखते हुए नीचे अपना हाथ को लेकर के आएंगे। स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी मिडिल फिंगर की टिप को देखते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जैसे ही आपका हाथ नीचे आएगा आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आप अपनी आईज की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आईज की एक एक नर्व को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एवरी मसल ऑफ योर आई, रिलैक्स एवरी नर्व ऑफ योर आई, एवरी सेल एट इनसाइड योर आईज एंड आउटसाइड ऑफ योर आईज, प्लीज रिलैक्स। आप अपनी आई लिड्स को रिलैक्स करिए और आप फील कीजिए कि आप धीरे धीरे एक डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। वेरी नाइस, यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो रिलैक्स योर आईज इनसाइड योर आईज आउटसाइड योर आईज, आपकी आंखों के चारों तरफ भी आप फील कीजिए कि आपकी एक एक सेल एक एक नर्व रिलैक्स हो रही है। अब कुछ देर में आई एम गोइंग टू काउंट थ्री और जब मैं तीन बोलूंगी तभी आप अपनी आंखें खोलेंगे, उससे पहले नहीं। ओके, एक सेकंड पहले भी नहीं। सो जब मैं तीन काउंट करूंगी और जब आप आंखें खोलेंगे और आप फिर से आंखें बंद करेंगे तब आप और भी ज्यादा डीप स्लीप में चले जाएंगे। सो अब मैं धीरे धीरे काउंट करती हूँ वन। सो नाउ रिलैक्स मोर एंड मोर। नाउ टू, जब मैं दो बोलूंगी तो आप और भी डीपर रिलैक्सेशन में चले जाएंगे और जब मैं थ्री बोलूंगी तो आप अपनी आंखें खोल देंगे। सो वन रिलैक्स, रिलैक्स योर आईज। टू, गोइंग वेरी डीप इन रिलैक्सेशन। नाउ थ्री, आईज ओपन, आप अपनी आंखें खोल देंगे, फिर से आप अपने हाथ को देखेंगे और अपने हाथ की मिडिल फिंगर को देखेंगे और अपने आप हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे जैसा कि आपने पहले किया था। तो धीरे धीरे आप अपने बेस से अपनी कमर से हाथ ऊपर उठाएंगे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी मिडिल फिंगर पे होगा, मिडिल फिंगर की टिप पे होगा। ओके, सो वेरी स्लोली टेक योर हैंड अप, वेरी स्लोली। ओके, फॉलो योर फिंगर विथ योर आईज ओनली। ओके, वेरी ग्रेजुअली स्लोली आप अपने हाथ को ऊपर लेकर के आएंगे, आप अपनी एल्बो से हाथ को नहीं मोड़ेंगे, हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। जब आपका हाथ ऊपर होगा सर से तब आप उसको पूरी आंखें पीछे की तरफ खोल करके देखेंगे। वेरी नाइस, एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड। यस, जब आपका हाथ सर के ऊपर होगा आप उसको थोड़ी देर देखेंगे, वहां पर से आप अपनी आंखों से अपनी मिडिल फिंगर की टिप को देखेंगे और आपको अपनी आंखों में थोड़ा भारीपन महसूस होगा, जैसे कि आंखें जब नींद आती है तो भारी हो जाती हैं।
तो आप उसको स्टेयर कर रहे हैं लगातार, और आपकी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। देखिए, आप अपनी मिडिल फिंगर को देखिए, उसके टिप को देखिए, और आपकी आंखें वहीं रहेंगी। अभी फिर से धीरे धीरे आप अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे। आपकी आंखें फिर से केवल और केवल आपकी मिडिल फिंगर की टिप को फॉलो करेंगी। वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। ओके, स्लोली स्लोली आप अपने हाथ को नीचे लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मिडिल फिंगर की टिप को देखते हुए। पहले की तरह ही, जैसे ही आपका हाथ नीचे आएगा, आप अपनी आंखें बंद कर दें। वेरी नाइस, एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड। अब आपकी आंखें भारी हो चुकी हैं और स्लोली स्लोली आपका हाथ भी नीचे आने वाला है। तो जैसे ही आपका हाथ नीचे आएगा, आप अपनी आंखें बंद कर। वेरी नाइस, एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड। नाउ क्लोज योर आईज अगेन एंड अलाउ योर सेल्फ टू गो ट्वाइस एज डीपर इन टू हिप्नोसिस। अब आप जितना पहले डीप स्लीप में थे, उससे दुगना डीप स्लीप में जा रहे हैं, हिप्नोसिस में जा रहे हैं। अब आप और भी डीप जा रहे हैं, यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर। वेरी नाइस, गिव मैसेज टू योर आईज दैट यू वांट योर आई लिड्स टू बी रिलैक्स एंड क्लोज सो टाइटली दैट योर आईज फील ऑलमोस्ट एज दो दे आर सी। तो अब आप अपनी आंखों को मैसेज देंगे कि मेरी आंखें एकदम टाइटली बंद हो चुकी हैं, जैसे कि किसी चीज को सील कर दिया जाता है, तब हो जाती है। वेरी नाइस, बिगनिंग टू फील योर आईज लॉक शट। आपकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, दे फील एज दो दे आर टोटली लॉक। आपकी आंखें बिल्कुल लॉक हो चुकी हैं, स्टक शट, जैसे कोई चीज अचानक से पूरी तरह से बंद हो जाती है, उस तरह से आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर दैट योर आईज आर सो रिलैक्स दैट एज लॉन्ग एज यू होल्ड ऑन टू दैट रिलैक्सेशन दे वोंट ओपन। तो अब आपकी आंखें इतनी रिलैक्स हो चुकी हैं कि अब वो खुलना ही नहीं चाहती, बिकॉज यू आर डीपर एंड डीपर इन स्लीप इन हिप्नोसिस। अगर आप उनको खोलना भी चाहेंगे तो भी वो नहीं खुलेगी। अब आप उनको टेस्ट कर सकते हैं कि वो नहीं खुलेंगे। नाउ स्टॉप ट्राइंग। अब आप उनको खोलने का ट्राई करने के लिए बंद कर दीजिए। यू सी दोज आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू ओपन। अब आप देखेंगे कि आपकी आंखें खुलना ही नहीं चाहती। वेरी गुड, नाउ जस्ट कंटिन्यू टू रिलैक्स। योर एंटायर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस रिलैक्सेशन। अब आप पूरी तरह से खुद को रिलैक्स कर लीजिए और आपकी पूरी बॉडी भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, रिलैक्स होने के लिए आपका साथ दे रही है। वेरी नाइस एवरीबडी, जस्ट क्लोज योर आईज, डोंट फोल्ड देम शट, जस्ट डोंट फोल्ड देम शट। अपनी आंखों को सिर्फ आराम से बंद रखिए, उनको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट अलाउ देम टू जेंटली मीट, ओके, उनको आराम से बंद होने दीजिए। फील हाउ कंफर्टेबल इट इज टू जस्ट अलाउ योर आईज टू रिमेन जेंटली क्लोज। कितना रिलैक्सिंग होता है आप जब अपनी आंखों को आराम से बंद रखते हैं।
आप वही रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं इस समय। अब आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आप पूरी तरह से सांस ले रहे हैं और आराम से सांस ले रहे हैं। आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे इस समय सांस लेने के लिए, सिर्फ आराम से सांस ले रहे हैं। लेट योर ब्रीथ फ्लो ऑल द वे डाउन थ्रू योर चेस्ट एंड स्टमक। अब आपकी जो सांसें हैं वो आपके चेस्ट और स्टमक में फैल रही हैं, उसके थ्रू ट्रैवल कर रही हैं और उन एरियाज को भी रिलैक्स कर रही हैं, आपके स्टमक को, आपके चेस्ट को। सो धीरे धीरे आपकी सांसें नीचे आपकी बॉडी में भी जा रही हैं और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। वेरी नाइस। अब आप महसूस कीजिए कि आपके शोल्डर भी रिलैक्स हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, क्योंकि रोज रोज की जिम्मेदारियों को उठाते हुए आपके शोल्डर्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो अब आप महसूस करेंगे कि अब आपके शोल्डर ने भी अब रिलैक्सेशन महसूस करना शुरू कर दिया है और वो भी रिलैक्स हो चुके हैं पूरी तरह से। और अब आपके एल्बोज भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, सारा टेंशन आपकी बॉडी से निकल चुका है। जब जब आप सांस ले रहे हैं आप और भी ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। जो भी साउंड आपके आसपास से आ रही है वो आपके रिलैक्सेशन को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। वाह, इट इज सो अमेजिंग। और जब भी आप वो आवाज सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। अब धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपकी पूरी बॉडी में फैल चुका है और आप अपनी बॉडी के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल स्टेट में हैं, डीपली एंड कंप्लीटली। अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये जो टेंशन आपकी बॉडी में है वो मदर अर्थ में जाकर के मेल्ट हो रही है और मदर अर्थ से एक बहुत फ्रेश, बिल्कुल रिफ्रेश्ड, रिलैक्सिंग एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर हो रही है थ्रू योर फीट फ्रॉम योर मदर अर्थ। वाह, वेरी नाइस। अब आप जब सांस लेंगे तो आप और भी ज्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे। अब जिस तरह के थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उन सब थॉट्स के साथ आप और भी ज्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे। अब आप अपने आप को अलाउ कीजिए जेंटली और भी ज्यादा डीपर रिलैक्सेशन में जाने। वेरी नाइस। अब जबकि मैं 5 से 0 काउंट करूंगी तो आप हर एक नंबर के साथ और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। सो नाउ एज आई काउंट यू डाउन फ्रॉम 5 to 0, विथ ईच नंबर योर फिजिकल बॉडी विल रिलैक्स एंड योर माइंड विल बिकम वेरी वेरी काम। वेरी नाइस। एंड यू विल गो 10 times डीपर इनटू स्टेट, डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब जबकि मैं आपसे 5 से 0 काउंट करूंगी उसके बाद आप 10 times और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। सो 5, 4, 3, 2, 1, जीरो, डीप स्लीप। अब आपकी फिजिकल बॉडी और भी ज्यादा
रिलैक्स हो गई है और बहुत ही ज्यादा शांत हो गई है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं और कोई भी आवाज जो आसपास से आ रही है वो आपको हेल्प कर रही है कि मेरी आवाज के ऊपर आप और भी ज्यादा फोकस कर पाए। तो जो आवाजें आपके आसपास से आ रही हैं उससे आपका ध्यान मेरी आवाज पर ज्यादा फोकस हो रहा है, आपका ध्यान मेरी आवाज पे आ रहा है। अब आप कुछ सेकंड्स के लिए मेरी आवाज नहीं सुनेंगे और जो आवाजें आपके आसपास से आ रही हैं उनको सुनने से आप और 100 times डीपर रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। सो नाउ फॉर सम टाइम यू आर नॉट गोइंग टू हियर माय वॉइस। Now, your body becomes more relaxed. You are becoming more aware of your mind. अब आपकी body और भी ज्यादा relax हो चुकी है और आपका mind और भी ज्यादा aware हो चुका है। अब आप अपने mind को एक आकाश के जैसे imagine कीजिए कि इतना बड़ा mind है आपका, इतना फैला हुआ है जो कि वाकई है। Imagine breeze drifting through your mind and clearing it all outside thoughts. तो ये जो हवा है वो आपके माइंड के थॉट्स को और भी ज्यादा क्लीन कर रही है जो थॉट्स आपके है ही नहीं। जैसे ही आपका माइंड क्लियर होता है इस हवा के थ्रू आपकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाती है और फ्री हो जाती है। आपके जो थॉट्स है वो बहुत लाइटर हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं, जैसे वो बहुत सॉफ्ट हो, फ्लफी क्लाउड के जैसे, जैसे हमारे क्लाउड्स इतने सॉफ्ट और इतने हल्के होते हैं वैसे ही। अब आप पूरी तरह से रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं आप अपने अंदर। थोड़ी देर आप पूरी तरह से इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। वेरी नाइस। नाउ इन अ फ्यू मोमेंट्स नाउ As I count you up from 1 to 5, you will come back to this room fully aware. अब थोड़ी ही देर में जब मैं 1 से 5 काउंट करूंगी आप इस रूम में, जिस रूम में आप हैं, आप पूरी तरह से अवेयर होकर के, अलर्ट होकर के वापस आ जाएंगे। बहुत अपने आप बारे में, अपने आप के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हुए। पर जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि जब मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो हर एक नंबर के साथ मैं 0 के साथ डीप स्लीप ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से, जिसका पर्पस है आपको हिप्नोसिस में ले जाना। बहुत जल्दी से और बहुत शांति से, और यू विल गो दिस स्टेट डीपर देन दिस फॉर रिलैक्सेशन। आप जिस स्टेट में है उससे भी डीपर स्टेट में आप रिलैक्सेशन के लिए चले जाए। एंड नाउ टू बिगिन एट 1, लेट
ऑल योर बॉडीज पर्सनैलिटीज ऑफ ऑल ऑफ यू. अब जबकि मैं एक से स्टार्ट कर रही हूँ तो आप सबकी बॉडीज एंड पर्सनैलिटीज इंटीग्रेट और बैलेंस होकर के आपके फिजिकल बॉडी में आ रही हैं. नाउ कमिंग अप हायर टू फीलिंग वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ. एटली यू फील एज इफ यू हैव कंप्लीटली डिस्कवर योरसेल्फ एंड यू हैव रिलैक्स्ड totally and completely mentally physically emotionally and spiritually. आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करके आए हैं. अपनी पावरफुल माइंड को आपने महसूस कर लिया है. नंबर फोर पे आप थोड़ा अपने आप को महसूस करते हुए और ऊपर आएंगे जबकि आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिकल महसूस कर रहे हैं इस समय बिना किसी फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट के. आप अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे बैलेंस करेंगे और इस रूम में वापस आएंगे. कमिंग बैक टू योर अवेयरनेस एट 5. आईज ओपन वाइड अवे. आईज ओपन वाइड अवे. आईज ओपन वाइड अवे. इंटीग्रेट 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 बैलेंस बैलेंस बैलेंस. एवरीबडी आईज ओपन वाइड अवे. श्रद्धा जी आईज ओपन वाइड अवेक. प्रीति जी आईज ओपन वाइड अवेक. आंखें खोलिए सब लोग. धुनु जी आईज ओपन वाइड अवेक. कम बैक. माही जी आईज ओपन वाइड अवेक. कम बैक. Eyes open wide awake, Mahi ji and Dhunu ji, both come back please into the room, into your body, come back. Dhunu ji, are you listening to my voice? Come back, come back. Ma'am, Dhunu ko call karni hai. वेरी नाइस सुनो जी कम बैक. और कौन है जिनका वीडियो ओपन नहीं है पर उन्होंने किया था. काजल जी आर यू देयर. अपने अपने सब लोग एक बार वीडियोस ऑडियोस ऑन करके अपनी आवाज सुना दीजिए प्लीज. हाँ जी मैम. या वेरी नाइस. पवन जी जी आर यू गुड. जी मैम. हाँ जी मैम. यस मैम. कैसा रहा एक्सपीरियंस एक एक करके बताइए. हाँ बोलिए रितु जी. मैम ऑसम. मैम क्या बताऊँ आपने क्या दिखाया मैम पता नहीं बहुत. मैम जब आप एंड में बोल रहे वापस आओ तो मैम बिल्कुल मन नहीं था तभी तो कुछ महसूस हो रहा था कि तब आपने वापस बुला लिया. मैम मैम लाइट्स इतनी सुंदर कलर की लाइट्स नजर आ रही थी कलर ही नहीं समझ में आ रहा था. मैम मैम बहुत ही अच्छा. मैम इतनी खुश हो रही हूँ मैम बहुत बहुत अच्छा. मैम थैंक यू. मैम पता नहीं क्या देखा मैम कुछ नहीं. वेरी नाइस. ऑसम था मैम बस. मैम नॉट इस लाइफ अभी बहुत ऐसे अनुभव बहुत होने वाले हैं आपको चिंता मत करिए. यस ओके. और किसी को एक्सप्लेन करना है कि हाउ यू वर फीलिंग इन हिप्नोसिस. यस श्रद्धा जी बोलिए. 5 times के बाद तो मुझे पता ही नहीं था कि आप क्या बोल रहे थे. आपने बस मेरा नाम जब दिया तब आई रियलाइज आई एम जस्ट सब जगह स्नो दिखाई दे रहा था. वेरी नाइस. बॉडी अभी भी ऐसे बहुत ठंडा फील कर रही है. यस इट इज बिकॉज आप लोग मेंटली इतने रिलैक्स हो चुके हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस वाओ इससे अच्छा क्या हो सकता है. मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो पी के टून हो जाते हैं मतलब हम हमारे पास है हिप्नोसिस में टून कर देंगे हम आपको है कि नहीं. उससे फायदा होगा नुकसान कुछ होगा नहीं. राइट. सो इट इज दैट स्टेट ओनली जो आप पी के महसूस करते हैं ना एकदम
किसी और ही दुनिया में है हम। बट इसके फायदे बहुत है। इसका फायदा एक तो जिन लोगों को टायर्डनेस बहुत रहती है ना, उनको अगर सिर्फ हिप्नोसिस में भी आप ले जाओगे ना तो ही वो खुश हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी को, आपको जरूरी नहीं है, अगर किसी को बॉडी रिलैक्स करवाना है तो भी आप उनको हिप्नोसिस में ले जाके बॉडी रिलैक्सेशन करा के वापस ले आएंगे, उनको मजा आ जाएगा, उनकी पूरी मतलब साल भर की थकान ही निकल जाएगी।